इनके डर से तो कितना भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, हाँ एकदम जिला छोड़ देंगे। भट्टी ऐसा है, हम लोगों को विश्वास है इस पे जरूर कार्रवाई किया जाए, देंगे कट्टा कपार में। ठीक है, इससे हमारे बिहार की क्या छवि बन रही है, मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ। सभी से पूछिए, दर्शक जो भी घर में थे, लोग थे, वो भाग रहे हैं। इसका सर अपने बांध के लोग जितने भी क्राइम के थे वो भाग रहे हैं, भाग रहे हैं। बिहार में कभी क्राइम रेट नहीं कमने वाला है, नहीं कमेगा कभी, नहीं भैया कभी नहीं, सब से बता रहे हैं भैया जी, कभी नहीं कट। अरे बिहार में DGP चेंज हो जाए, SP चेंज हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। ढिल्लो जी है ना सीनियर SP, क्राइम रेट कहाँ कम हुआ है भैया। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप बिहार इंसॉर्ट्स देख रहे हैं। बिहार के नए DGP RS भट्टी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। अब बिहार में जो शराब माफियाओं का लगातार जो है वो क्राइम रेट जो बढ़ रहा था, शराब माफियाएं बिहार के तमाम जिलों में जो जहरीली शराब मिल रहे थे, अभी फिलहाल छपरा में जो जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई थी, क्या लगता है कि अब RS भट्टी जिन्होंने अपना DGP के पद पे नया कार्यभार संभाला है, अब क्राइम रेट कम हो पाएगा नहीं हो पाएगा। इस वक्त मैं पटना जंक्शन के पास मौजूद हूँ, यहाँ पे आम लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या लगता है, ये RS भट्टी ने अपना कार्यभार संभाल लिया, लगता है कि क्राइम रेट अब कम होगा बिहार में। बिल्कुल कम होगा, इनके डर से तो कितना भाग जाएंगे, भाग जाएंगे, हाँ एकदम जिला छोड़ देंगे। भट्टी ऐसा चीज है, भट्टी SP भी थे तो अच्छे थे, आज DGP भी बने हैं तो बिहार के लिए बहुत अच्छे है। काम होगा, अब एकदम काम होगा, बेशक होगा। देखिए आते के साथ नाम सुनते ही भट्टी सब जलने लगा, तोड़ तोड़ के पुलिस गिरा रहा है, देख रहे हैं आप, माफियाओं का लगातार जो बढ़ रहा था, सब सब रेड होंगे, सब अरेस्ट होंगे, सब जल जाएंगे, कोई नहीं बचेंगे। RS भट्टी के नाम से सब भाग जाएंगे, सब भाग जाएंगे, एकदम भागेंगे। काफी सख्त मिजाज के जाने जाते हैं RS भट्टी, बहुत बहुत सख्त मिजाज, और बहुत ही इनके में लगन है काम करने का। हाँ, एडमिटेशन को टाइट भी पूरा कर देंगे। बिहार में जो पुलिस व्यवस्था जो थी वो सुस्त पड़ गई थी, अब वो भी वो तो टाइट हो जाएगा ना, नामे सुनते भट्टी के नाम के ही टाइट हो गया, हो जाएगा एकदम, बेशक इसमें कोई शक नहीं है। ये बताइए कि बिहार में नए DGP ने अपना कार्यभार संभाल लिया, लगता है कि क्राइम रेट में कमी आएगी। जरूर सर, निश्चित ही कमी आएगी, और ये जो है शराबबंदी जो है जरूर लागू होगा, और जिधर तिधर जैसे आदमी मर रहे हैं इस पे भी कार्रवाई किया जाएगा। सर आए हैं, हम लोगों को विश्वास है इस पे जरूर कार्रवाई किया जाएगा। काफ़ी सख्त मिजाज के नाम से जाने जाते हैं, लगता है कि मतलब अब जितने भी शराब माफिया थे वो डर के भागेंगे कि ये जो शराब बंदी होने के बावजूद भी शराब बिहार में बिक रहा है वो लगातार बढ़ते जाएगा। नहीं सर, इस पे जो है अब प्रशासन जो है टाइट हो रही है, इस पे कार्रवाई किया जाएगा और कमी जरूर आएगी, और कमी हो रही है, अभी हर जगह न्यूज पे आ रहा है, और जैसे तैसे जो है कार्रवाई किया जाएगा इस पे। धन्यवाद। आप बताइए क्या लगता है, क्राइम रेट कम होगा कि नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कम होगा। कम होगा, हाँ क्यों होगा। ऐसे ही वो बहुत ही गर्म मिजाज के आदमी है, और जो उनके नीचे काम करते हैं उन पे वो दबाव देंगे, कुछ ज़्यादा ही दबाव देंगे, इसके लिए क्राइम रेट कमेगा ही कमेगा। मतलब पुलिसकर्मी जो सुस्त पड़ गई थी, जो प्रशासन व्यवस्था ठप पड़ गई थी, अब लगता है उसमें तेजी आएगी, लोग एक्टिव होंगे। हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एक्टिव। हाँ RS भट्टी के नाम का कितना फर्क पड़ेगा। बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, जितना नहीं पड़ना चाहिए उतना ज़्यादा पड़ेगा, पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बिहार में नए DGP ने कार्यभार संभाल लिया, लगता है क्राइम रेट अब कम होगा। हम लोग बाहर से आए, यहाँ के कहाँ से रहने वाले हैं। हम लोग UP से आए हैं, UP के रहने वाले हैं, तो बिहार के बारे में क्या सोच है आपकी, क्या लगता है। सोच तो अच्छा है, सोच अच्छा है। हाँ बिहार में आके कैसा लगा। बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। हाँ। बिहार में शराबबंदी है ये पता ही नहीं है आपको। पता है। शराबबंदी के बावजूद भी यहाँ पे लोगों की मौत हो रही थी। अब नए DGP ने कार्यभार संभाला है, कम होगा कि नहीं होगा। कम होना चाहिए। और ये शराबबंदी जो फैसला है बिहार में जो लिया गया है, ये फैसला आप सही मानते हैं गलत मानते हैं। सही मानते हैं, सही मानते हैं। चलिए देखिए, ये बाहर के लोग हैं, यूपी से आए हुए थे, बिहार के बारे में क्या कुछ सोचते हैं इनसे मैंने पूछा। शराबबंदी के ऊपर जब मैंने इनसे पूछा कि बिहार में जो शराबबंदी है तो वो इसे सही फैसला मानते कि नहीं मानते, इसके ऊपर इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना, और भी लोगों से बातचीत करते हैं। ये बताइए भैया कि बिहार में नए DGP ने कार्यभार संभाला है RS भट्टी ने, लगता है क्राइम रेट अब कम होगा। लगता तो है। हाँ लगता तो है। बिहार में लगातार जो शराब माफियाओं का जो बढ़ रहा था, शराब बेच रहे थे बिहार में शराब बंद, इसके बावजूद भी अब नए DGP ने अपना कार्यभार संभाला है। तो कार्यभार संभाले हैं वो तो जैसे होगा बदलाव, लेकिन अब मुख्य काम तो सरकार का है, सरकार अगर नियंत्रण सही से रखेगा तो सरकार ने ही तो नए DGP को इसलिए लाया है, और काफ़ी सख्त मिजाज के जाने जाते हैं वो तो। हाँ DGP तो सख्त मिजाज के जाने जाते हैं तो हम जानते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो काम करेंगे अब जो भी पुलिसकर्मी इनके अंदर में है। हाँ तो काम तो होना चाहिए, काम होना चाहिए। चलिए
बिहार में नए डीजीपी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, लगता है कि अब बिहार में क्राइम रेट कम होगा? अनुमान पे सभी दुनिया टिकी हुई है और नए डीजीपी के आने से कहीं ना कहीं बिहार वासियों को सुकून की राहत मिलेगी कि उनसे क्राइम रेट कुछ कम होगा एकदम। आरएस भट्टी काफी सख्त मिजाज के जाने जाते हैं और उनका पाला स्टार्टिंग आने से ही बिहार में मालूम चल गया कि उनके आने से ही दर्शक जो भी घर में थे लोग थे वो भाग रहे हैं। इसका मतलब ये है कि उनमें क्राइम रेट कम होना ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मतलब लोगों ने उनका नाम सुना और अभी से ही जो क्रिमिनल थे वो सब भागने बोरिया बिस्तर अपने बांध के लोग जितने भी क्राइम के थे वो भाग रहे हैं। ये बताइए कि बिहार में शराब बंद है, इसके बावजूद भी बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, अब नए डीजीपी ने कार्यभार संभाल लिया, लगता है इसके ऊपर शिकंजा कस पाएंगे? देखिए कोशिश तो जारी रहेगा रोकने के लिए। उम्मीद है कि नए डीजीपी काम करेंगे? काम तो करना चाहिए और शुरू से काम किए हैं। जिस समय से यहाँ के पटना के SP रह चुके हैं उस समय भी अच्छा खासा, इन्होंने साहबुद्दीन को भी पकड़ लिया था। जी 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 जी, तो इससे पता चलता है कितने टाइट हैं ये। जी जी टाइट हैं, तो देखिए क्या होता है। चलिए तो देखिए, पटना जंक्शन के पास में मौजूद हो यहाँ पे नए डीजीपी, बिहार के नए डीजीपी आरएस भट्टी ने जो अपना कार्यभार संभाला है, इसी के ऊपर बातचीत करने के लिए आम लोगों से यहाँ पे जानने के लिए आए होते, सब अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये बताइए भैया कि नए डीजीपी ने, आरएस भट्टी ने अपना कार्यभार संभाल लिया, क्या लगता है कि क्राइम रेट में कमी आएगी कि नहीं आएगी? भैया बिहार में कभी क्राइम रेट नहीं कमने वाला है। नहीं कमेगा? कभी नहीं भैया, कभी नहीं। ऐसा क्यों? हम अपना पूरा अनुभव से बता रहे हैं भैया जी, कभी नहीं कट। अरे बिहार में DGP चेंज हो जाए, SP चेंज हो जाए, कुछ नहीं होने वाला है। ढिल्लो जी है ना सीनियर SP, क्राइम रेट कहाँ कम हुआ है भैया? रियल क्राइम रेट, पुलिस केस दर्ज ही नहीं करती है। कोई थाना का बात बता रहा हूँ, पुलिस जो है आधा से ज़्यादा को तो ऐसे ही भगा देती है, डांट डपाट कर, कुछ भी बोलकर, है ना। दर्ज कहाँ से होगा? अब दर्ज नहीं होगा, पुलिस रिकॉर्ड दिखाएगी, देखिए। लेकिन इनके बारे में तो माना जाता है कि काफी गर्म मिजाज के हैं, जो प्रशासन है उसके ऊपर भी अपना शिकंजा ये कसेंगे। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिवान के भी SSP रह चुके हैं, ठीक है। मैं आरएस भट्टी जी को भली भांति जान रहा हूँ। पुराने DGP बिहार के SK सिंघल का कल आखिरी दिन था, उनके कार्यकाल को आप किस रूप में देखते हैं? उनका कार्यकाल देखिए, मतलब किन कामों को उन्होंने नहीं किया जो कि अब आरएस भट्टी को करना चाहिए? देखिए काम बिहार में बहुत कुछ करना है, ठीक है। अभी वो कौन थे, अमित लोढ़ा जी, उनकी एक नेटफ्लिक्स पे वो आई है खांखी। हाँ। खांखी आई है ना, उसमें एक ट्यून है, ठोक देंगे कट्टा कपार में। हाँ। ठीक है, इससे हमारे बिहार की क्या छवि बन रही है? मैं आप लोग से पूछ रहा हूँ, सभी से पूछिए कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, ठीक है, आइए ना हमारे बिहार में, इससे बिहार की क्या छवि बन रही है? एक और बोल रहे हैं, महात्मा बुद्ध की ये धरती है, बहुत अच्छी, महावीर स्वामी की भी धरती है भाई, ठीक है, सम्राट अशोक की भी धरती है, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की भी धरती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कट्टा ठोक देंगे कपार में बोलकर बिहार की गंदी छवि बनाइए, ठीक है। तो नेटफ्लिक्स वालों को भी ये सोचना चाहिए था, और एक मतलब कि बहुत अच्छे SP हैं हमारे अमित लोढ़ा जी, ठीक है, उनको भी इस बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए था कि बिहार है, ठीक है, कोई क्रिमिनल का घर नहीं है, है ना। तो नए DGP ने जो अपना कार्यभार संभाला है, अब लगता है कि अब प्रशासन के ऊपर और अपराध में कमी आएगी? हाँ जाहिर सी बात है, जब DGP कोई भी नए ऑफिसर आते हैं तो कुछ ना कुछ तो अपना काम करते हैं ना, वो 10 दिन 20 दिन 30 दिन हो सके पेपर में मैं पढ़ूँ, उसके बाद फिर सब कुछ साइलेंट नॉर्मल डेज के तरह हो जाता है। तो आरएस भट्टी जी से भी उम्मीद है कि कुछ दिन करें कुछ अच्छा काम, ठीक है। तो देखिए इस वक्त में पटना जंक्शन के पास मौजूद था आरएस भट्टी, बिहार के नए DGP ने अपना कार्यभार संभाल लिया है, अब लोगों की क्या उम्मीदें हैं उनसे, आपने सुना क्या कुछ करेंगे, बिहार में लगातार जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हो रही है, इसके ऊपर क्या अपना शिकंजा कस पाएंगे कि नहीं कस पाएंगे शराब माफियाओं के ऊपर। तो आप सुन रहे थे लोगों को क्या कुछ कहा इन्होंने, आपने इस वीडियो में देखा। इस तरह की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, धन्यवाद।